हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। मध्य प्रदेश के उद्योग या यूनिट 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये एक बार ये यूनिट 3 में भी ये टॉपिक मतलब सिलेबस में दिया गया है, कृषि आधारित तो उद्योगों में। ये उद्योगों से संबंधित 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। उद्योगों से बाहर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। हमारी सी सीरीज़ की ये C28वां है। अगर आपने इसकी पुराने 27 भाग नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि पूरी सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित है? तो इंदौर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित है? तो जेम्स और ज्वेलरी पार्क इंदौर में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो रहा है इंदौर में। कहाँ बन रहा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है इंदौर में। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्र में से केंद्रीय सरकार द्वारा कितने केंद्र स्वीकृत हैं? तो मध्य प्रदेश द्वारा जो औद्योगिक केंद्र घोषित हैं उनमें से 6 केंद्र ऐसे हैं जो स्वीकृत हैं। अगला है, मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग द्वारा कहाँ परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर लूम के लिए कौन किसको जानते हैं? बुरहानपुर को। पावर लूम के लिए किसको जाना जाता है? बुरहानपुर को। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की और इंस्टा की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो और PDF मिलती रहे। साथ में अगर आप हमारे मेंस के और प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप अभी बुकिंग कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, 25 के बाद जो है रेट बढ़ जाएगा। 25 के बाद की आपके जो नोट डिलीवर होंगे प्रीलिम्स मेंस प्री के, अगर आप प्री का बुक करते तो 25 के बाद डिलीवर होगा, क्योंकि एक अच्छी तरीके से फ्रेम करके आपको नोट्स दिया जाएगा ताकि आपको जिस तरीके से आपको नोट्स वीडियो में पढ़ाया जाता है उस तरीके से, और टॉपिक वाइज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। लेकिन कॉपी का रेट और पेज का रेट, ये सभी चीज़ रेट बढ़ चुके हैं, कुरियर रेट बढ़ चुका है, तो आपका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप उसको बुकिंग कर दीजिए। अगर आप अभी बुकिंग करेंगे तो आपको बहुत कम रेट में मिलेगा, बाकी 25 के बाद करेंगे तो आपका रेट बढ़ जाएगा। आप कोई भी 500-1000 रुपये दे के अपना अगले प्री के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, या ये वाले मेंस के लिए या अगले मेंस के लिए लेना चाहते हैं, तो आप अपनी बुकिंग कर दीजिए। मेंस की जो बुकलेट मिलेंगी आपको, 3 मार्कर की 12 बुकलेट मिलेंगी, 5 मार्कर और 11 मार्कर की आपको 27 बुकलेट मिलेंगी, इस तरह टोटल 39 बुकलेट मिलेंगी। अगर आप 8 बुकलेट और लेते हैं जिसमें हमारे पुराने पेपर के सॉल्ट पेपर रहते हैं, तो टोटल 47 बुकलेट मिलेंगी। ये आपका पूरा पैकेज रहेगा। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी मिलेंगे जहां आपको क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग कराया जाता है। और ये अगर आप चाहते हैं लेना, इनकी रिव्यू आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। जब भी मैंने अभी प्री के पहले मैंने मेंस पढ़ा रही थी तब मैंने आपको वीडियो उसी नोट से ही पढ़ाती हूँ। क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में है, यूनिट वाइज सिलेबस वाइज है, तो आप इनको ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? बुरहानपुर जाना जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 कहाँ आयोजन स्थल कहाँ था? तो ग्लोबल जो इन्वेस्टर इन समिट था, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन स्थल कहाँ पे था? तो वो था इंदौर में। कहाँ पे हुआ था? इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? किस बंदरगाह को किया जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक निर्यात है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को किया जाता है। देश का एकमात्र ग्रीन फील्ड मल्टी प्रोडक्ट सेज कहाँ पे स्थित है? तो देश का एकमात्र ग्रीन फील्ड मल्टी प्रोडक्ट सेज है इंदौर में। कहाँ पर डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने स्थित हैं? तो छिंदवाड़ा, मालनपुर और मंडीदीप तीनों में स्थित हैं। मालनपुर भिंड में है और यह तीनों जगह पर ही डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने स्थित हैं। मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क धार में है। कहाँ पे है? धार में है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम के नाम से 10 एम्पोरियन कहाँ संचालित करता है? तो मध्य प्रदेश उद्योग निगम मृगनैनी के नाम से करता है। मृगनैनी के नाम से कितने एम्पोरियम संचालित करता है? 10। हीरा मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? हीरा मिल्स लिमिटेड है उज्जैन में। अब हम 13वां देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कहाँ शुगर मिल नहीं है? तो देखो, दलोदा में भी है, सारंगपुर में भी है, सीहोर में भी है, भोपाल में शुगर मिल जो है वो नहीं है। कल्याण मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? कल्याण मिल्स लिमिटेड है इंदौर में। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। कौन सा है मध्य प्रदेश का स्थान? तीसरा है। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर नेटरेक्स कहाँ पे स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर नेटरेक्स कहाँ स्थित है? धार में है। कहाँ पर है? धार में।
केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किन स्थानों को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो नारन टोला, निमरानी, जग्गा खेड़ी, इन सभी को ही एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अगला है, इंडो जर्मन टूल प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंडो जर्मन टूल प्रदेश में इंदौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंडो जर्मन टूल प्रदेश में इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कहाँ पर जरी कढ़ाई उद्योग केंद्रित है? जरी कढ़ाई उद्योग केंद्रित कहाँ पर है? भोपाल में। जरी कढ़ाई उद्योग का जो केंद्र है वो कहाँ पर है? भोपाल में है। जरी के बटुए के लिए भी भोपाल प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में MSMI नीति कब लागू हुई? 2017 में हुई। MSME का मतलब होता है लघु एवं मध्यम उद्योग। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र कौन सा है? चंदेरी। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र है चंदेरी। एक्सपोर्ट योजना के अंतर्गत प्रदेश में अपैरल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? इंदौर। एक्सपोर्ट योजना के अंतर्गत अपैरल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? इंदौर में। बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र है छिंदवाड़ा में। भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है? तो भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना है कहाँ पर स्थित है? मालनपुर में है। भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ पर है? मालनपुर में है। कहाँ पर है? मालनपुर में। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? मैंने अभी बताया था कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? भिंड में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट पेपर मिल्स लिमिटेड ने 1955 में उत्पादन शुरू किया था, यह कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश है। तो राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर है? पीतमपुर में है। पीतमपुर धार में है। तो कहाँ पे है मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर है? पीतमपुर में है। अगला क्वेश्चन है, मालवा का क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट और पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है? तो मंदसौर। मालवा का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है? तो मंदसौर है। कौन सा जिला है? मंदसौर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खालिस्तान में विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश के कहाँ, इनमें से कहाँ पर मध्य प्रदेश का ऐसा क्षेत्र है जो विशेष क्षेत्र के लिए गिना जाता है? तो कौन सा गिना जाता है मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए? मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? इंदौर और ग्वालियर में। सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनियाँ भारतीय ऊर्जा उद्योग से संबंधित हैं। सिंगरौली में संचालित जितनी भी सक्रिय कंपनियाँ हैं वो ऊर्जा उद्योग से संचालित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में भारत सरकार ने हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कहाँ पे लिया है? मेगा फूड पार्क कहाँ पे बनेगा? तो मंदसौर में बनेगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ है? छाता उद्योग महू में है। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? तो सतना, कटनी, दमोह को जाना जाता है, बुरहानपुर को नहीं जाना जाता। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र है? इंदौर और ग्वालियर दोनों में ही विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जो अभी हमने पहले किया था। कहाँ पे है? इंदौर और ग्वालियर दोनों में ही है। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी पेपर मल होशंगाबाद का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो मतलब सिक्योरिटी जो पेपर मिल होशंगाबाद है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो सिक्योरिटी पेपर मल होशंगाबाद की स्थापना हुई थी 1967-68 में। कब हुई थी? 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि जिले में 1500 करोड़ रुपए की रक्षा इकाई बनाई जाएगी, ये कहाँ पे बनाई जाएगी? तो रक्षा जो इकाई है वो बनाई जाएगी मोरेना में। कहाँ पे बनाई जाएगी? रक्षा इकाई मोरेना में बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के किस शहर में सरकारी अफीम और उपचार कारखाना स्थित है? तो अफीम का कारखाना कहाँ पे स्थित है? नीमच में है। अफीम का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो अफीम का कारखाना नीमच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उद्योग है जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट को कच्चे मूल के रूप में उपयोग करता है। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पे है? अमलाई में है। मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में अधिकतम उद्योग घनत्व है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा उद्योग है? तो इंदौर में है। सबसे ज़्यादा उद्योग घनत्व कहाँ पे है मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है?
तो सबसे ज़्यादा उद्योग घनत्व जो है वो इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में। भोपाल शुगर मिल इनमें से कहाँ पे है? भोपाल, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और सीहोर। तो भोपाल शुगर मिल है सीहोर में। कहाँ पर है? सीहोर में भोपाल शुगर मिल है। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार व्यापम सुगमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? सातवां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार व्यापार सुगमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? सातवां है। अगला है, भोपाल में जो BHEL की स्थापना की है वो किसके सहयोग से की गई है? ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पावर एल्कोहल संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पावर एल्कोहल संयंत्र कहाँ पे है? रतलाम में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पावर एल्कोहल संयंत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में पावर एल्कोहल संयंत्र कहाँ पर है? रतलाम में। मध्य प्रदेश में पावर एल्कोहल संयंत्र कहाँ पर है? रतलाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, BHEL इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? तो BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2013 में। कब दिया था? 2013 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में कहाँ माँ पीताम्बरा चीनी मिल को स्थापित किया गया? दतिया में माँ पीताम्बरा चीनी मिल को स्थापित किया गया। लैंप्स लिमिटेड कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो ये है विदिशा में। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें कहाँ पर हैं? इंदौर में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पर हैं? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पर हैं? इंदौर में है। याद रखिएगा, सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पर हैं? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नॉर्दर्न कोल फील्ड स्थित है? तो सीधी और सिंगरौली दोनों में ही है। कहाँ पे है नॉर्दर्न कोल फील्ड? सीधी और सिंगरौली दोनों में ही है। अगला है, मध्य प्रदेश में रेशम की खेती किस नदी घाटियों में होती है? वर्धा नदी और पूर्णा नदी। रेशम की खेती वर्धा नदी और पूर्णा नदी दोनों में ही होती है। झाबुआ में पाए जाने वाले विशिष्ट जंगली मुर्गा कड़कनाथ को GI टैग कब दिया गया? तो कब दिया गया GI टैग? GI टैग दिया गया था जो कड़कनाथ मुर्गा है उसको दिया गया था 2 अगस्त 2018 को। 2 अगस्त 2018 को GI टैग दिया गया। मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रेशम मंडी है पचमढ़ी में। रेशम मंडी कहाँ पे है? रेशम मंडी पचमढ़ी में है। निम्नलिखित में से किस साल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? 1984 में हुई थी, MIC गैस रिसाव होने से, मिथाइल आइसोसाइनर। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? तो विदिशा का जो गंज बासुदा है वहाँ पे वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना है। मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त तेंदू पत्ते में किसका उपयोग, किस उद्योगों में उपयोग होता है? तो वनों से जो तेंदू के पत्ते प्राप्त होते हैं उससे किसका, कौन से उद्योग में काम आते हैं? विड़ी उद्योग में। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? तो जो निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? वो है देवास में। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक कार्य नहीं है? तो कृषि प्रौद्योगिकी में शोध नहीं है। बाकी जो उद्योग है मध्य प्रदेश कृषि राज्य उद्योग विकास निगम के अंतर्गत, वो उर्वरक का निर्माण भी करता है, सब्जी और फलों का विपणन भी करता है, बीजों का विपणन भी करता है, शोध नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना केंद्र सरकार की सहायता से कहाँ बन रहा है? तो मनेरी में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मनेरी मंडला में केंद्र सरकार की सहायता से सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का काम कारखाना बन रहा है। अमझेरा सीमेंट कारखाना कहाँ है? अमझेरा सीमेंट कारखाना धार में है। निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? तो जूते बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता। क्या? जूते बनाना। माटी कला बोर्ड कहाँ पे है? भोपाल, अलीराजपुर, सिंगरौली और भिंड। तो माटी कला उद्योग कहाँ है? माटी कला उद्योग जो है भोपाल में है। कहाँ है माटी कला उद्योग? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र कहाँ है? बीना में। 2019 में हीट एक्शन प्लान और रिसर्च के अंतर्गत किस जिले का चयन किया गया? तो हीट एक्शन प्लान और रिसर्च के अंतर्गत सागर जिले का चयन किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? उज्जैन में है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन 65वां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने फेसबुक पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सी सीरीज़ का लाइव मिल सके। और सी सीरीज़ पूरी की पूरी देखिएगा, आप देखेंगे एग्ज़ाम में कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HVJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया? विजयपुर में। किस स्थान पर किया है HVJ? विजय में किया है। विजयपुर कहाँ पर है? ये गुना में है।
एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है, ये हमने पढ़ा है। तो ये कब स्थापित किया गया था? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में 1983 में स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना उज्जैन में कब स्थापित किया गया? 1983 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम बायोमिथेनेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश के सबसे पहले बायोमिथेनेशन का कारखाने का उद्घाटन भोपाल में। सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ पे है? भोपाल में। वनों से प्राप्त तेंदुए के पत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में होता है। भारत का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ पे है? तो सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में है। भोपाल में औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? जर्मनी पे। औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? जर्मनी के सहयोग से औद्योगिक प्रतिष्ठित केंद्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? देवास में है। लघु उद्योग संगठन की स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में? 1959 से 1960 में हुई थी लघु उद्योग संगठन की स्थापना। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम की स्थापना कब हुई? चर्म विकास निगम की स्थापना 1981 में। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में है। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई? 1990 में हुई राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश के किस जिले में कमर्शियल व्हीकल औद्योगिक केंद्र की स्थापना हुई? भोपाल में। मध्य प्रदेश में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बाय वी सूर्यवंशी को। जब ये उपभोक्ता विवाद निवारण बना था तब प्रथम अध्यक्ष बनाया गया बाय वी सूर्यवंशी को। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आउटस्टैंडिंग अचीव अवार्डमेंट समारोह, जो अवार्ड समारोह हुआ था, वो कहाँ हुआ? भोपाल में। देवास में बैंक नोट प्रेस की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो देवास में जो हुई थी बैंक नोट प्रेस की स्थापना, वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। देवास में जो बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 74-75 में हुई थी, 1974-75 में। मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग किस जिले में है? जबलपुर जिले में रक्षा उद्योग है। मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक प्राप्त बाघ प्रिंट कहाँ तैयार की जाती है? धार में। कौन सी औद्योगिक इकाई जबलपुर नहीं है? एल्कलॉइड जो फैक्ट्री है वो नीमच में है। एल्कलॉइड फैक्ट्री जबलपुर में नहीं है। व्हीकल फैक्ट्री गन गैरेज और ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थापित किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? इटारसी में। याद रखिएगा, वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना इटारसी में स्थापित किया गया है। जबलपुर में जो गन गैरेज फैक्ट्री बनी थी कब बनी? 1943-44 में। किस जिले में बरेड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है? बरेड़ा औद्योगिक विकास केंद्र दतिया में है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब आया? 2 अक्टूबर 2006 में आया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? पीतमपुर धार में सबसे पहले शुष्क बंदरगाह स्थापित किया। 96वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? लघु उद्योग निगम 1961 में बना। लघु उद्योग निगम कब बना? 1961 में। दूसरा शुष्क बंदरगाह कहाँ पे है? पहला तो पीतमपुर धार में है, दूसरा है मंडीदीप रायसेन में। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित पीतमपुर शुष्क बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। जो पीतमपुर में हुई थी शुष्क बंदरगाह कब हुई थी? 1994 में। किस जिले में पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र है? राजगढ़ में पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र है। मध्य प्रदेश में दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह कौन सा है? तो टिहरी धार में है। कौन सा है? धार में है। अगला क्वेश्चन है 101, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आयुध कारखाने हैं? जबलपुर में। कहाँ पे हैं? जबलपुर में सबसे ज़्यादा आयुध कारखाने हैं। कटनी किसके लिए जाना जाता है? सीमेंट के लिए। बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। कौन से जिले में दरियाँ बनाई जाती हैं? तो बनाई जाती हैं सतना में। सबसे ज़्यादा चीनी मिल किस कहाँ पे हैं? रतलाम में है। कौन से ज़िले में ऊनी दरियाँ बनाई जाती हैं? तो सीधी और शहडोल दोनों में ही ऊनी दरियाँ बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर कब स्थापित हुई? 1906 में। बुरहानपुर कब बना? 1906 में। ग्वालियर व मुरैना की दरियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंजे दरियाँ और मुगलकालीन दरियाँ हैं। ग्वालियर और मुरैना की दरियाँ कौन कौन सी हैं? पंजे दरिया और मुगलकालीन दरियाँ। मध्य प्रदेश व ग्वालियर मुरैना की दरियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये फारसी कालीन दरियाँ हैं, इसलिए प्रसिद्ध हैं।
1907 में मालवा यूनाइटेड मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। रेल बजट 2012-13 में मध्य प्रदेश के किस जिले में उच्च क्षमता वाला डीजल इंजनों के लिए ट्रैक्शन अल्टरनेटर्स कारखाना प्रस्तावित किया? सीहोर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कौन सा है? बरलाई है। कौन सा है? बरलाई। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1965 में। कहाँ जिवाजी सुगर मिल स्थित है? मंदसौर में। कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग और मोदियों की गलसन माला के लिए प्रसिद्ध है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1976-77 में हुई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में गन मेटल उद्योग पर आधारित ढोकरा शिल्प उद्योग है? ढोकरा शिल्प उद्योग कहाँ पे है? तो बैतूल में है। कहाँ पे है? ढोकरा शिल्प उद्योग बैतूल में। किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं? इंदौर को। मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने के कारखाने हैं? तो रेलवे स्लीपर बनाने के कारखाने कहाँ पर हैं? सीहोर में। मुद्रा छापने का कारखाना कहाँ है? देवास में। 2015 में कहाँ पर रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया? विदिशा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, सीहोर जिले में जो डीजल लोकोमोटिव संयंत्र है किस देश के सहयोग से बनाया? तो सीहोर का डीजल लोकोमोटिव संयंत्र अमेरिका के सहयोग से बना। पीतमपुर को किस नाम से जानते हैं? भारत का डेट्राइट। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। हस्तशिल्प विकास निगम कब बना? 1981 में। 28 जनवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिव परियोजना कहां आरंभ की गई? बावई में। प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट पार्क कहां स्थित है? तो रेडीमेड गारमेंट पार्क है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1968 में कहाँ हुई? भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब BSNL की स्थापना 1968 में जबलपुर में हुई। किस जिले में नमकीन एवं एलाइड क्लस्टर है? एल्कलाइड क्लस्टर है, एलाइड नहीं है, ये एल्कलाइड क्लस्टर है। ये मैं क्वेश्चन दे देती हूँ और किसी और से प्रिंट करवाती हूँ तो ये इसलिए अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो आप उसके लिए तो, और जो भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है बोलने में या फ्लो में बोलते बोलते, क्योंकि लंबा वीडियो बनता है तो मेरे मुंह से कभी कभी कोई आंसर गलत निकल जाता है, तो मैं उसका आंसर जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में भी सही करा देती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देती हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं तो व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, फेसबुक पोस्ट पे और व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में, हर जगह मैं उसके आंसर डाल देती हूँ कि कहीं भी आपको नज़र पड़े तो आप उसको सही ज़रूर कर लें। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में नमकीन एवं एल्कलाइड क्लस्टर है? रतलाम में। भारत सरकार की दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना में मध्य प्रदेश के कौन से जिले शामिल हैं? तो इंदौर, रतलाम, उज्जैन सब शामिल हैं। मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है नागौर सतना में। साइकिल उद्योग कहाँ पर है? साइकिल उद्योग गुना में है। 132वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। पोल्ट्री उद्योग कहाँ है? ग्वालियर में। होशंगाबाद में जो प्रतिभूति कारखाना है उसका उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, कब किया था? 1968 में किया था। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व क्या हैं? तो ये सभी बाधक तत्व हैं, जो बढ़ता जल अभाव है, अधोसंरचना की कमी, सीमित ऊर्जा आपूर्ति, ये सभी बाधक तत्व हैं। मध्य प्रदेश में बुश एंड स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? इंदौर में। किस जिले के चमड़े के खिलौने प्रसिद्ध रहते हैं? तो 137वां क्वेश्चन का है आंसर इंदौर में, इंदौर के जो चमड़े के खिलौने वो प्रसिद्ध रहते हैं। टिम्बर ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रसिद्ध है? इंदौर। न्यू बैंक पेपर यूनिट को कहाँ स्थापित किया गया? होशंगाबाद में। किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमेटिक संयंत्र स्थापित हो रहा है? सीहोर में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले उद्योग नीति कब आई थी? 2004 में आई थी। किस जिले में एल्कोइड कारखाना स्थापित हो रहा है? नीमच में। अगला है, किस जिले में ढलवा लोहे से पाइप बनाने से संबंधित यूएसको स्टैंड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई? उज्जैन में। नीमच में जो एल्कोलाइट फैक्ट्री कब बनी? 1976 में। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूके की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। किस जिले में स्ट्राबोर्ड उद्योग स्थित है? स्ट्राबोर्ड उद्योग है शाजापुर में। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में घटना के कारणों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन हुआ? एनके सिंह की। किसकी में हुआ? एनके सिंह की में हुआ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? न्यूज़ प्रिंट। NPA नेपा नगर कंपनी कितने GSM गुणवत्ता वाला अखबारी कागज प्रकाशित करती है? जो नेपा नगर है वो 42 GSM वाला अखबारी कागज प्रकाशित करती है। मध्य प्रदेश में तेल और पशु आहार संयंत्र कहाँ है? मुरैना में। नेशनल न्यूज़ प्रिंट और पेपर मिल नेपा नगर ने किस वर्ष अखबारी कागज विनिर्माण का काम स्टार्ट किया था? तो इनमें से किसी भी समय, ये जो ऑप्शन है इनमें से किसी भी समय नहीं किया था,
1956-57 में किया था। प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र कहाँ स्थित है? धार में है। कहाँ है? धार में है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल वेट मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? सुहागपुर में मिले हैं। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित है? जापान में। फ्रेंड, जो मेरे नवंबर के लिए प्री के नोट्स तैयार हो रहे हैं वो जो उसी जैसे कि आपका कोई सिलेबस में कोई उद्योग टॉपिक है तो उद्योग को पहले बहुत सरल तरीके से, ना कि थ्योरी वाइज जैसा कि नॉर्मल बुक्स में आप देखते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, एकदम फ्लो चार्ट में हम उद्योग बनाएंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे इसी प्रकार से, तो उस ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए और आपको पढ़ने में मज़ा भी आए, क्योंकि जो अगला वाला जो इस बार प्री के बाद जो अगला वाला एग्ज़ाम भी होगा उसमें भी ज़्यादा समय नहीं है। आप अभी से समय देंगे, अगर आप पहली बार देने के लिए सोच रहे हैं तो आपको अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए भी। मंडीदीप का जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है वो जापान के सहयोग से बना है। इसके अलावा अगर आप मेंस अभी नहीं प्री अगर आप अगला प्री की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस के नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में लेकर उनका अपना खुद से अपने हैंड रिटन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मध्य प्रदेश में फल संवर्धन इकाई कहाँ स्थित है? भोपाल में है। किस भारतीय अमेरिकन भौतिक वैज्ञानिक को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है? नरेंद्र सिंह कपानी को। किस जिले में प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की गई है? दमोह में की गई है। मध्य प्रदेश में IISCO स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना 1968 में। किस जिले में मार्बल उद्योग है? कटनी में है। पहली सदी में कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था? उज्जैन। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार निवेश की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान वैसे 7वां है और निवेश में 5वां है? भिंड जिले में विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड बन रही है। किस देश के सहयोग से बन रही है? तो भिंड में बन रही है, इजराइल के सहयोग से। भारत और मध्य प्रदेश की प्रथम निजी क्षेत्र की हथियार निर्माण इकाई का उद्घाटन कब किया? 4 मई 2017 को। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? बनमौर मुरैना में। प्रदेश में प्रथम सीमेंट कारखाना कब बना था? बनमौर मुरैना में ही बना था 1922-23 में। 1920 में किस नगर निगम ने उद्योगों से निकलने वाले केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए इफ्यूलेंट एंड बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया? कितना किया ये? 8.64 लाख टन। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई है? भोपाल में। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल पार्क जो बन रहा है वो किस देश के सहयोग से बन रहा है? सिंगापुर के। रिफाइनरी जो है वो किस जिले में है? बीना तेल रिफाइनरी सागर जिले में है। बीना तेल रिफाइनरी की स्थापना कब की गई थी? उद्घाटन कब हुआ था? मई 2011 में। अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ से की गई थी और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनी थी। मध्य प्रदेश में कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार की बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? तो करेगी कोको कोला। निम्न में से कौन सा कार्य कृषि उद्योग विकास निगम का नहीं है? कृषि प्रौद्योगिकी में शोध। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो यूनिट है वो कहाँ है? विजयपुर में। नीम से खली बनाने का संयंत्र कहाँ पर है? खरगोन में है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे से संबद्ध मध्य प्रदेश में औद्योगों में निवेश के लिए किन स्थानों पर आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है? तो पीतमपुर में भी हो रहा है, नीमच के नया गांव में भी हो रहा है और साजापुर में भी हो रहा है। इसके बाद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अगस्त 2014। चीनी मिल की स्थापना जावरा में किस वर्ष हुई थी? 1934 में हुई थी। मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार 2017-18 में सकल मूल्य संवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 24.14%। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। जो मध्य प्रदेश में BHEL है वो कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। फूड क्लस्टर कहाँ पे है इनमें से? श्योपुर, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी में से शिवपुरी में। चिप और पार्टिकल बोर्ड कहाँ स्थित है? इटारसी में। किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 का आयोजन हुआ? इंदौर में। इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो की स्थापना कहाँ हुई? धार में। सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिकीकरण का प्रादुर्भाव हुआ? मध्य प्रदेश में सबसे क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो क्योंकि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी तभी मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसके बाद तीसरी योजना से ही जो औद्योगिकीकरण का प्रभाव मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला है राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रथम उद्योग संवर्धन नीति की घोषणा कब की थी? 2004 में की।
अगला है BHEL को भारत में कंपनी का दर्जा, हम पढ़ चुके हैं 2013 में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और उद्योगों से संबंधित हैं। कुछ उद्योगों से संबंधित और भी क्वेश्चन जो हैं भारत से संबंधित उद्योग, केंद्र से संबंधित उद्योग, वो भी मैं आपको एक वीडियो ला के कवर करवा दूंगी, तो आपका उद्योगों का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।